ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पहला ज़ीरिश्ते अवार्ड है, तो रियली एक्साइटेड बीइंग हियर। और इतने सारे खूबसूरत और टैलेंटेड लोग यहाँ आए हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ सबके साथ मिला मैं और कंपटीशन है उनके साथ, आज नॉमिनेशन भी है और बहुत एक्साइटेड है अवार्ड जीतने के लिए। सो या रियली एक्साइटेड। जी, आई थिंक एज एन एक्टर बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। इतने रोल्स प्ले करने का मौका मिला और अब ये रोल प्ले कर रहा हूँ। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, इसके बहुत सारे शेड्स हैं, तो मुझे करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सो टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हियर। मैंने कभी सोचा नहीं था, बट इट वॉज ऑल रिटन एंड आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आई एम स्टैंडिंग हियर विद जी टीवी। ट्रू ट्रू, ये मेरी नेक्स्ट लाइन थी। अच्छा, ओके, इन ज़ेडआरए एंड या आई एम रियली रियली हैप्पी। हाँ यार, ऐसा तो बहुत आता है। आई थिंक एवरी अदर डे आई फेस दिस इशू कि मुझे सब कहते हैं कि यार वही आपकी जोड़ी अच्छी थी, ये नेक्स्ट। बट धीरे धीरे फिर लोग नई जोड़ी को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, उनको नई जोड़ी से भी प्यार हो जाता है। थोड़ा वक्त लगता है बट फिर हो जाता है। शो में तो तुम बताओ क्या क्या आने वाला है। आई थिंक बहुत कुछ आने वाला है। लाइक आई थिंक जो हमारा फर्स्ट प्रोमो आया था उसी पे अब स्टोरी वर्क कर रही है। और इट्स अ शॉक फॉर ऑडियंस कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। बट आई थिंक खासकर जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि मेरा अगला मूव क्या हो। जी हमारी परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ एक्टिविटीज है और हमारे जो मॉम डैड है वो परफॉर्म करने वाले हैं, तो होपफुली हम उनको ज्वाइन करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे उनके साथ। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।